नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord N20 SE वर्सेस Xiaomi Redmi 10 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord N20 SE में 6.45 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Nord N20 SE से कम है। विड्थ की बात करें तो Nord N20 SE में 2.95 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord N20 SE में 187 ग्राम जबकि Redmi 10 2022 में 181 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord N20 SE में 6.56 इंचेस जबकि Redmi 10 2022 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord N20 SE में 720x1600 और Redmi 10 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord N20 SE में 84.57% जबकि Redmi 10 2022 में 83.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 10 2022 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Nord N20 SE में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 2022 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord N20 SE में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord N20 SE में Powerwall GE8320 जबकि Redmi 10 2022 में Mali G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 और Redmi 10 2022 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Nord N20 SE में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nord N20 SE में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord N20 SE में अप टू 1 TB जबकि Redmi 10 2022 में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Nord N20 SE में Android V12 जबकि Redmi 10 2022 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Nord N20 SE में 2 कलर्स जबकि Redmi 10 2022 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ
14,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 2022 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus Nord N20 SE में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 2022 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 10 2022 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 9 है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 9T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 8C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।